subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome to Rohit Tutorial. आज हम फ्लामिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ेंगे, जिसके राइटर अल्फोंसो डुइट हैं। तो चलिए चलते हैं पाठ पर। द लास्ट लेसन अर्थात अंतिम पाठ, अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। अल्फोंसो डुइट वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसो डुइट एक फ्रांसीय उपन्यासकार थे और एक संक्षिप्त कहानी लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांसो प्रेसियन वॉर, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रेसिया लीड बाय बिस्मार्क। जो लास्ट लेसन पार्ट है, इसको फ्रांसो प्रेसियन युद्ध के दौरान लिखा गया था, जो 1870 और 71 के बीच हुआ, जिसमें फ्रांस हार गया था प्रेसिया के द्वारा और प्रेसिया का नेतृत्व बिस्मार्क के द्वारा किया जा रहा था। प्रेसिया देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। जो प्रेसिया उस समय जो देश था, वह तीन देशों से मिलकर बना हुआ था, जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया के कुछ भाग। इन दिस स्टोरी ऑफ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रेसियन हैंड। इस कहानी में फ्रेंच के दो जिले अल्सास और लॉरेन चले गए थे प्रेसिया के हाथों में, अर्थात फ्रांस अपने दो जिले अल्सास और लॉरेंस को हार चुका था। रीड द स्टोरी ऑफ फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। कहानी को पढ़ें और जानें कि स्कूल के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो अब आगे पाठ पर चलते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट डैट मॉर्निंग। अल्फोंसो डुइट बताते हैं कि उस सुबह मैं बहुत देरी से स्कूल के लिए निकला था। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ ए स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग का मतलब डांटना। मुझे डांट का बहुत ज़्यादा डर था, स्पेशली बिकॉज एम हेमल एंड सेड डेट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। विशेषकर क्योंकि उनके जो टीचर थे एम हेमल, उन्होंने कहा था कि वह उनसे पार्टिसिपल्स के ऊपर प्रश्न पूछेंगे। पार्टिसिपल्स का मतलब इंग्लिश ग्रामर का ही एक भाग है, जिसे हम पार्टिसिपल्स भी कहते हैं। एंड आई डिड नॉट नो द वर्ड, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। अल्फोंसो डुइट बता रहे हैं कि मुझे पार्टिसिपल के बारे में एक भी शब्द नहीं आता था। फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए, आई थॉट ऑफ, मैंने सोचा कि रनिंग अवे, क्यों ना भाग जाएं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और अपना पूरा समय स्कूल के बाहर ही क्या कर लें, व्यतीत कर लें। इट वाज सो वार्म, वहाँ बहुत गर्मी थी, सो ब्राइट, और बहुत धूप थी। द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द प्रेसियन सोल्जर वेयर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब है अभ्यास करना, और सामिल का अर्थ है जहाँ लकड़ी काटी जाती है, अर्थात आरा मशीन। तो आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में प्रेसियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। यह पार्टिसिपल्स के नियमों की तुलना में
बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला था। टेम्पटिंग का मतलब आकर्षित करना। बट किंतु आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब है प्रतिरोध। किंतु मुझ में इसका प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल के लिए निकल गया या चल दिया। वेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। तो टाउन हॉल का मतलब होता है कोई सरकारी ऑफिस, और बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है जहाँ पर समाचार लगाए जाते हैं या जहाँ पर खबरें लगाई जाती हैं। तो अल्फोंसो डॉट बताते हैं कि जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर दैट लास्ट 2 ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थीं वो यहीं से आ रही थी, मतलब बुलेटिन बोर्ड से ही आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, हारी हुई लड़ाइयाँ। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब युद्ध के दौरान देश के नागरिकों को सैनिक बनाना, उसको ड्राफ्ट कहते हैं। तो हारी हुई लड़ाइयाँ, ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, इस सभी बुलेटिन बोर्ड से प्राप्त हो रहे थे या सूचना के माध्यम से मिल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप ही सोचा, विथाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। देन फिर एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं उतनी तेज़ी से गया जितनी तेज़ी से मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ बैचर हु वॉज देयर, वहाँ ब्लैक स्मिथ और बैचर नाम के 2 व्यक्ति थे, विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, जो अपने प्रशिक्षक के साथ खबरों को पढ़ रहे थे। कॉल आफ्टर मी, उन्होंने मुझे पीछे से बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, बब, बब का मतलब होता है बच्चे, बच्चे इतना तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब है समय से पहले। तो ब्लैक स्मिथ और बेचर जो वहाँ खड़े थे और जो अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षक के साथ खबरें पढ़ रहे थे, उन्होंने अल्फोंसो डॉट को पीछे से बुलाया और कहा कि बच्चे इतना तेज़ी से मत जाओ, आप समय के पहले स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वह मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब किसी कार्य को पूरा करने के बाद ही सांस लेना। तो मैं एम हेमल के छोटे बगीचे में बिना सांस लिए ही पहुंचा, या मैंने एम हेमल के छोटे बगीचे में पहुंचकर ही सांस ली। यूजली अक्सर वेन स्कूल बिगेन, जब भी स्कूल प्रारंभ होता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बसल का मतलब चहल पहल होना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल होती थी। विच कुड बी हेर्ड आउट इन द स्ट्रीट, उस चहल पहल को हम गलियों के बाहर या बाहर गलियों में सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क यानी मेज, डेस्कों के बंद होना और खुलना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब है एक स्वर में, एक स्वर में पाठों को रिपीट करना, दोहराना। वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज़ें। विथ अवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम इन आवाज़ों से बचने के लिए और बेहतर समझने के लिए अपने कानों पर अपने हाथ रख लेते थे। एंड और द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल,
और जो टीचर्स यानी शिक्षक का जो बड़ा छड़ी होती थी या बड़ी छड़ी होती थी, स्टिक होती थी, उसको वह टेबल पर खटखटाती थी, रैपिंग यानी खटखटाना। बट किंतु नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल, किंतु अभी सब चीज़ें स्थिर थीं। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, कमोशन का मतलब है चकमा देना, गेट यानी प्राप्त करना। तो आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे मैं अपनी डेस्क पर चकमा देकर या उस शोर का फायदा उठाकर पहुंच जाता था। बट किंतु अफकोर्स अवश्य ही डेट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, किंतु उस दिन हर चीज रविवार की सुबह जितनी ही क्या थी, शांत थी। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने कक्षा के साथियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, जो पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड और एम हेमल्स वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज ट्राइबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने हाथों में भयानक लोहे की छड़ी लेकर टीचर्स एम हेमल आगे पीछे चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सभी के सामने अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हैं कि हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना डरा हुआ हूँगा। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना भयभीत होऊंगा। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।